कोऑपरेट। सभापति जी, Chaco, you want to speak on this, please? Your name is there. Just 1 minute. Please. सभापति जी, प्लीज डोंट प्रोवोकेट द स्टेटमेंट। बहुत धन्यवादी हूँ, मैं बहुत धन्यवादी हूँ मुलायम सिंह जी की और लालू जी की, जिन्होंने ये प्रस्ताव सदन के सामने रखा है और इस तर्क पर आधारित करके रखा है। मुलायम सिंह जी ने और लालू जी ने ये तर्क देकर के ये प्रस्ताव सदन के सामने रखा है कि ये बिल दोनों सदनों से एक बार पारित हो चुका है, सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, इसलिए इसे बिना चर्चा के पास किया जाए। इस पर निर्णय आपको करना है, हाउस को करना है। अगर ये बिल बिना चर्चा के पारित होना है तो मैं सीधे विधेयक पारित करने का प्रस्ताव ले आती हूँ, आप वोट करवाइए और पारित करवाइए। अगर आपको चर्चा करानी है तो मैं चर्चा से भाग नहीं रही। कह रहे थे कुरियन जी 2 घंटे अलॉट हुए, आप 2 घंटे चर्चा कराएं, आप 4 घंटे चर्चा कराएं, आप 6 घंटे चर्चा कराएं, आप 8 घंटे चर्चा कराएं, मैं यहाँ सदन में बैठूंगी, आपके एक एक प्रश्न को सुनकर उसका उत्तर देने को तैयार हूँ। लेकिन सदन तय करे कि चर्चा कराकर पारित करना है तो मैं चर्चा सुनकर जवाब दूंगी, पहले प्रस्तुत करते हुए रखूंगी। और अगर पारित करना है, कांग्रेस वाले भी कह रहे पारित करना है, तो आप पारित करिए, तो आप पारित करिए। अगर कांग्रेस से भी ये कहा जा रहा है, राजू सिंह जी कह रहे पारित करिए, तो पारित करिए। फ्रॉम दिस साइड डोंट मेक नॉइज प्लीज बी पेशेंट सर। ये सदन, इस सदन में और बाहर में महिलाओं के प्रति, महिला बिल के प्रति बड़ी चर्चा हुई, बहुत दर्द दिखाया लोगों ने। एक माननीय मंत्री, महिला मंत्री चारों तरफ घूम रही है, प्रार्थना कर रही है, भैया पास कर दो, पास करो, आइए लोग आकर डिस्कशन, इसको पास करिए बिना डिस्कशन। ओके प्लीज, नो नो प्लीज, चेक आउट प्लीज, इफ यू वांट टू डिस्कस आई विल गिव यू टाइम, प्लीज 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 चेक आउट चाको। राधाकृष्णन जी प्लीज, राधाकृष्णन आई हैव गिवन चाको प्लीज। चाको मैडम, इफ यू वांट टू स्पीक आई विल गिव यू अ चांस। चाको No, don't provoke. No, already. Already, Business Advisory Committee has decided the time and everything. Please. Sir, I have one request, sir. The Honorable Minister is very kind enough to sit even 4 hours or 6 hours. She is not bothered about the committee decision. Sir, this being such an important matter, and I will come to the importance of the that necessitating a discussion at this point of time. So in that kind of a situation, I hope the suggestion made by Sri Harin Pathak and other members, kindly don't insist on that. Because this house is for discussion basically, sir. And the ministry is well prepared for replying any question, that is what you said. Even though there are many questions go unanswered for the last many days about your action. Chaco, DSA recommended for 2 hours. If you want to speak, you speak. No, sir. Sir, the... तो पहले मैं मूव करते हुए अपनी बात रखूंगी ताकि सबको पता चले। सर उसके बाद चाको जी बोल, यू माइट हैव, अगर चर्चा होनी है तो मैं बताऊंगी। यस यस, अगर आपने चर्चा का तय किया है, अगर आप
बिना चर्चा के पारित कर रहे हैं। सर मिनिस्टर, मिनिस्टर इज ऑन हिज राइट प्लेस। नहीं, अगर आप बिना चर्चा के पारित कर रहे हैं तो कर दीजिए। अगर चर्चा करानी तो मैं मूव करते हुए बात रखूंगी कि ये बिल क्या है। बिना चर्चा के कराना तो कराइए। मिस्टर कुरियन यू टेल। प्लीज 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 सर, अदरवाइज आई विल मूव द बिल। लोगों को पता चला। सो मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स, प्लीज। दिस इज नॉट द वे, प्लीज वेट, प्लीज वेट। मान लिया, समय बचे। नहीं नहीं, फिर मैं बताऊंगे क्या। धनंजय कुमार प्लीज। ये मैडम क्या बात करते हो? Since 2 hours have been already fixed for this debate, sir, you may kindly just sir, the business advisory committee has fixed 2 hours. Please, now the honorable minister has moved the bill. You have called Mr. Chako to initiate the debate. Let us. I am only asking him. Please don't. I am asking him whether are we sitting. Don't get, before I say anything, don't jump to your conclusion. What I said was only whether are we going to sit. That is the thing. That is it. Don't get Jaipal Reddy conclusion. Just 1 minute. I will give you. Sir, please. Now you will have to take the sense of the house. Since there is a majority opinion. Yes, yes, one yes. Minute. Since there is a majority opinion in the house that there shall not be any discussion on this bill. Without discussion, this bill should be passed. That is the majority opinion in the house. You will have to take the sense please, of the please. House. Sir, you will have to take the sense Jaipal of the house. Jaipal Reddy. Jaipal Reddy, wait. You may please take the sense of the house. Jaipal Reddy. I have given chance to Jaipal Reddy. Please sit down. Take the sense of the house. Say I have given chance to Jaipal Reddy. Please. Mr. Chairman, sir. Majority comes into play when it comes to OT. Majority cannot be invoked with a view to blocking discussion. So, you please go ahead with the discussion. The government and those who vote for the bill will be judged at the bar of history, but then we would like to go ahead with record on record without submissions. Sir, I will go by the consent of the House, sir. But, sir, sense of the House sense of the House is not the majority decision. Sense of the House means you take what the opinion. Majority members feels one way is not the sense of the House. So kindly say, sir, it is a unanimous decision of the House. That is always we extend the House. Sir, here is a situation. Sir, the change which is being suggested is even closing the decision of the BSC. Sir, BSC has decided 2 hours for the discussion. So, sir, any change is, this is even not according to the BSC. Sir, the minister has agreed for a discussion. No, here, just 1 minute. One minute, Radhakrishnan, please. Here, two issues. I humbly submit. Dhananjay, please. There has been. Please. Only to help you, ask the question. Please, Dhananjay. Only to help you. I will give you that. Chairman, sir, there has been precedences in this house where suggestions have been made to pass the bill without discussion. There is no harm in that. But then,
Let me say that. How do you say that? Please. You just want to relax, please. No, no, business. Now, see, I am repeating. No, you don't do this. I am saying... Madam? Let me say. What I am saying is, because there was interruption, I am repeating. See, there has been had been suggestions in the House for passing the bill without discussion. Let me say. Dhananjay Kumar, why interruption? Okay, then I will sit. This is very unfortunate. Don't suppress discussion. Let me say. Sit down. Sir, this is... Please. Now, see, I am saying there is no harm in that suggestion. Let me say. But when such suggestions are given, there is no occasion, there was no occasion in this House where that is, those suggestions are passed on majority. Those suggestions are accepted if there is complete unanimity. Even if one member objects and says that he wants discussion has to be allowed. This, let me complete. Yes. Let me complete. Because consensus means unanimity. Consensus doesn't mean majority. Now let me come back to this issue. Here, there's nothing to discuss about here. Already it is announced, 2-hour discussion, and after allowing discussion, all those who want to oppose or support, let them say, and after 2 hours, the House may be extended sufficiently for 2 hours or 1.5 hours, whatever may be. After discussion, this bill may be passed. This is all what. No question of any discussion. What are you saying? If one member objects, you cannot do that. What is that? Ramai. You want to pass a bill and without discussion. 1 minute. Please. What is this? Sir, Madam Sushma Swaraj, sir, let me come. Madam Sushma Swaraj came to the BSC and requested that this bill should be allowed to be discussed and passed. Oh, and she gave such an assurance. On the basis of that, we all agree that this may be brought, discussed and passed. If you today take a decision that bill will not be discussed, we will boycott. No other way. You do anything. Please, Kurian. Kurian, Parliament Affairs Minister. Sir, the suggestion... For your question, he is giving reply. Right? Sir, the suggestion not to discuss the bill and to pass the bill without discussion came from important leaders like Mulayam Singh Ji, Lalu Ji. That's why the point came. Then when that suggestion she responded saying that if all agree, it is okay, the bill can be passed without discussion. Otherwise, she said, then she will first have her introductory speech and then the matter can be discussed. We are prepared. But when we say sense of the house does not necessarily mean unanimity. That is what I wanted to say also. So if a section of house feels that they want to discuss it, we have no objection for discussing it. Yes. You may take the sense of the house and decide, sir. We have no objection. Not necessary, please sit down. We will go by discussion. Madam, first she will introduce. Sabhapati ji, प्रसार भारती का ये विधेयक जो मैंने इसी सत्र के पिछले खंड में प्रस्तुत किया था आज विचार के लिए सदन के सामने रखा है। बिल को मूव करते समय इसलिए मैं थोड़ी बात रखना चाहती हूं क्योंकि इस बिल के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां और तरह तरह की मिथ्या धारणाएं फैली हुई हैं, फैलाई जा रही हैं। प्लीज Order, please. Minister is saying something. You are making noise. Sabhapati ji. No point of order, nothing. Please cooperate. मैं थोड़ी सी बात अगर प्रारंभ में कह दूंगी
तो सही जानकारी के आधार पर सदन में चर्चा हो सकेगी, इसलिए मैं कुछ बात पहले कहना चाहती हूँ। सभापति जी, जैसा मुलायम सिंह जी ने कहा और सब जानते हैं कि ये बिल नया बिल नहीं है, ये बिल दोनों सदनों के द्वारा सन 1990 में सर्वसम्मति से बहुत विस्तृत चर्चा के बाद पारित हुआ था, लेकिन 7 वर्षों तक ये बिल नोटिफाई नहीं हुआ। 1996 में जब हमारी सरकार आई और मुझे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मैंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए ये कहा था कि मैं प्रसार भारती को नोटिफाई करूंगी, लेकिन वो सरकार 13 दिन में चली गई और मैं नोटिफाई नहीं कर सकी। उसके बाद देवेगौड़ा जी की सरकार में सीएम इब्राहिम सूचना प्रसारण मंत्री बने, ये बिल नोटिफाई नहीं हुआ। गुजराल जी की सरकार में जब जयपाल रेड्डी जी INB मिनिस्टर बने, तो इन्होंने अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पूरी करते हुए इस बिल को नोटिफाई किया, क्योंकि जब बीच बीच में सांसद ज्ञापन देते थे कि बिल को नोटिफाई किया जाए, तो मैं और जयपाल रेड्डी जी उन ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वालों में शरीक होते थे। और आज जयपाल जी यहाँ बैठे हैं, वो साक्षी हैं इस बात के कि जब उन्होंने बिल को नोटिफाई किया, मैं उस समय विपक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। विपक्ष में रहते हुए भाजपा की प्रवक्ता के नाते मैंने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और हृदय से इन्हें बधाई दी। बल्कि एक महिला पत्रकार ने तो मेरा इंटरव्यू लेते हुए यह भी कह दिया कि ऐसे लगता है जैसे आप ट्रेजरी बेंचेस से बोल रही हैं, मंत्री से ज्यादा प्रसन्न है। तो मैंने कहा, मीडिया को ऑटोनॉमी देना हमारा कमिटमेंट था और उस कमिटमेंट को मैं पूरा करना चाहती थी, नहीं कर पाई। आज मेरे एक साथी जयपाल ने किया है, इसलिए निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। बेशक मैं बेंचेस के दूसरी तरफ बैठी हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से उनकी सराहना करूंगी। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सभापति जी, नोटिफाई तो 1990 का एक्ट किया जयपाल रेड्डी ने, लेकिन जब उसे लागू करने का समय आया तो एक अध्यादेश लाकर, एक ऑर्डिनेंस लाकर उसके बहुत प्रमुख प्रावधान इन्होंने समाप्त कर दिए हैं। और मैं यह कहना चाहूंगी, हम सब ने मीडिया को स्वायत्तता देनी चाहिए थी, स्वच्छंदता नहीं। और यही कारण है कि जिस समय 1990 का बिल यहां पेश हुआ था, तो संशोधन आए थे, कांग्रेस की तरफ से आए थे, CPI, CPM और BJP ने स्वीकार किए थे। यह उस समय की बात है जब VP सिंह की सरकार थी और P उपेंद्र सूचना प्रसारण मंत्री थे, जिस समय यह बिल पास हुआ था। और उस समय संशोधन ला करके इस बिल में ऐसे प्रावधान रखे गए थे जिससे स्वायत्तता तो पूरी हो, लेकिन प्रसार भारती की जवाबदेही, प्रसार भारती की अकाउंटेबिलिटी इस संसद के प्रति भी बनी रहे और देश के प्रति भी बनी रहे। उसमें प्रावधान किया गया था कि एक 22 सदस्यीय सांसदों की समिति होगी, 15 सदस्य लोकसभा के होंगे, 7 सदस्य राज्यसभा के होंगे, और जिन ऑब्जेक्टिव, जिन उद्देश्यों के लिए यह बिल लाया गया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति प्रसार भारती कर रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा, इसका अवलोकन वो समिति करेगी। ये संसद के प्रति प्रसार भारती जवाबदेह बने, इस दृष्टि से लाया गया था। एक और प्रावधान उसमें था, ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल का। आमतौर पर सदन के अंदर और सदन के बाहर ये चर्चा आप सुनते हैं कि फला कार्यक्रम में अश्लीलता बहुत है, फला कार्यक्रमों में हिंसा बहुत है, फला कार्यक्रमों में अनावश्यक यौन की बात है, फला कार्यक्रमों में या विज्ञापनों में इस तरह के विज्ञापन है जो आम बच्चों के, अबोध बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालते हैं। ये देश के प्रति जवाबदेही देखते हुए एक ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल का प्रावधान किया गया। उसमें भी 2 सांसद लोकसभा के, 2 सांसद राज्यसभा के और 10 ऐसे लोग जो प्रतिष्ठित होंगे, विभिन्न क्षेत्रों के होंगे, उनकी एक ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल बनेगी और जनता को ये मंच मिलेगा। जनता को, जनता उस ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल के सामने शिकायत कर सकेगी, फला कार्यक्रम खराब है, इस पर रोक लगनी चाहिए। वो ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल एक कलेक्टिव विजडम में, एक सामूहिक बुद्धिमत्ता और विवेक के चलते निर्णय करेगी और उन कार्यक्रमों की अश्लीलता या हिंसा पर रोक लगेगी। अध्यक्ष जी, इन्होंने संसदीय समिति को भी समाप्त कर दिया, इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल को भी समाप्त कर दिया। 1990 के एक्ट में एक प्रावधान था कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, उनकी आयु सीमा 62 वर्ष होगी। उस समय तो प्रस्ताव ऐसे भी आए थे कि 58 वर्ष होनी चाहिए और चिदम्बरम जी लाए थे, कोई और नहीं लाया था, लेकिन 62 वर्ष की समय सीमा तय की गई थी किसी भी कॉरपोरेशन में,
किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के लिए हमेशा समय सीमा आयु की सीमा निर्धारित की जाती है। इन्होंने उस अध्यादेश से वो समय सीमा समाप्त कर दी, बढ़ाई नहीं, कोई और नहीं लगाई, समाप्त कर दी। यानी 70 बरस का, 80 बरस का, 90 बरस का, जितना मर्जी आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगा सको, वो समाप्त कर दिया। अध्यक्ष जी, हाँ 100 साल भी अगर कोई जिए और चाहे सरकार तो लगा सकते। अध्यक्ष जी, उस बिल में जो 90 का एक्ट था, उसमें ये प्रावधान था कि जो बोर्ड के सदस्य होंगे वो राज्यसभा की तर्ज में रोटेशन के तौर पर लगाए जाएंगे, ताकि इस संस्था में परिवर्तन के साथ निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूटी विद चेंज। हर 2 बरस पर 2 लोग बदले जाएंगे, 4 पुराने चलते रहें, 2 नए आते रहें, मॉडर्न ट्रेंड और पुराने चीज की कंटिन्यूटी बनी रहे। इन्होंने इस अध्यादेश में उसे भी समाप्त कर दिया। सभापति जी, उस एक्ट में एक प्रावधान था, क्योंकि करोड़ों रुपए की संपत्ति गवर्नमेंट से ट्रांसफर हो रही थी प्रसार भारती कॉरपोरेशन को, कि एक पूर्णकालिक सदस्य वित्त मेंबर फाइनेंस उसमें रहेगा, जो सारी चीजों के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखेगा। इन्होंने उसका पूर्णकालिक सदस्यता भी समाप्त कर दी, केवल एक डायरेक्टर के तौर पर रखा, फुल टाइम मेंबर फाइनेंस इन्होंने समाप्त कर दिया। सभापति जी, 40,000 कर्मचारी गवर्नमेंट से प्रसार भारती में जा रहे थे, एक संक्रांति काल था। इतने कर्मचारी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके वेतन, उनके ग्रेड, उनके काडर से संबंधित 85 समस्याएं उपजती हैं, इसलिए उसमें एक पूर्णकालिक मेंबर पर्सोनल की व्यवस्था थी, इन्होंने उसे भी समाप्त कर दिया। और ये सारी चीजें क्यों कर दिया तो ये बताएंगे, जवाब मेरे पास हैं, लेकिन मैं चर्चा को प्रियम्प्ट नहीं करना चाहती। इनके सारे सवालों के जवाब अगर मैंने पहले दे दिए तो जयपाल रेड्डी आज सुबह से बहुत बेचैन हैं, इनकी बेचैनी और बढ़ जाएगी, इसलिए ये चर्चा कर लें, उसके बाद मैं जवाब दूंगी। लेकिन क्यों बदला, इसका जवाब मेरे पास है। सभापति जी, ये 6 चीजें इन्होंने बदली और अध्यादेश के द्वारा बदली। और ये भी बता दूं, अध्यादेश उस समय लाए जब पार्लियामेंट सम्मन हो चुकी थी। जयपाल रेड्डी मेरे साथ उधर बैठते हुए अध्यादेश विरोधी रहे हैं, सरकार से मांग करते रहे कि अध्यादेश से राज नहीं चलाना चाहिए, और अगर पार्लियामेंट सफर हो जाए उस समय पर ऑर्डिनेंस लाने के, तो ये घोर विरोधी रहे हैं। लेकिन आईएनबी मिनिस्टर के नाते पार्लियामेंट सम्मन हो जाने के बाद ये सारे परिवर्तन जयपाल रेड्डी ने अध्यादेश के माध्यम से किए। सभापति जी, उसके बाद इनकी सरकार चली गई। सभापति जी, उसके बाद इनकी सरकार चली गई, सरकार चली गई, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। ये केयर टेकर गवर्नमेंट थे, और केयर टेकर गवर्नमेंट के नाते इन्होंने दोबारा उस अध्यादेश को रिप्रोमलगेट किया, दोबारा उसको ये लेकर के आए। लेकिन जिस समय ये सरकार आई, और इस सरकार ने आने से पहले, एक आने के बाद और आने से पहले भी, पहले अपना मैनिफेस्टो, आने के बाद नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनाया, तो हम लोगों ने बहुत साफ उसमें लिखा कि प्रसार भारती की जवाबदेही हम वापस लाएंगे, प्रसार भारती का पुराना एक्ट हम बहाल करेंगे, इस अध्यादेश को लैप्स हो जाने देंगे। इसलिए कई बार जो ये बात उठती है ना, ये तो इस सरकार का हिडन एजेंडा है, हिडन एजेंडा। मैं सभापति जी सदन के फर्श पर खड़े होकर कहना चाहती हूँ, ये हिडन एजेंडा नहीं था, ये रिटर्न एजेंडा था, ये ओपन एजेंडा था। पूरे देश को विश्वास में लेकर हम कहकर आए थे, हम प्रसार भारती की जवाबदेही बहाल करेंगे, हम अध्यादेश को लैप्स हो जाने देंगे, और हम प्रसार भारती का पुराना एक्ट वापस लाएंगे। सभापति जी, इस नई सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे दोबारा मिली, उस नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस के तहत जो देश के सामने कमिटमेंट की थी हमने, उसको पूरा करके हमने उस ऑर्डिनेंस को लैप्स हो जाने दिया। अभी राधाकृष्णन कह रहे थे ऑर्डिनेंस को लैप्स कर दिया, ऑर्डिनेंस को लैप्स करना कॉन्शियस डिसीजन था राधाकृष्णन जी, नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस में लिख कर लाए थे, और हमने अध्यादेश को लैप्स हो जाने दिया। जब अध्यादेश लैप्स हो गया, तब एक प्रश्न उभरा कि क्या अध्यादेश के लैप्स हो जाने से पुराना एक्ट स्वाभाविक रूप से रिवाइव हो गया। इस पर मैंने लीगल ओपिनियन मंगाया, और सभापति जी मैं शेयर करना चाहूंगी सदन के साथ कि 2 लीगल ओपिनियन आए। एक मत ये आया कि अध्यादेश के लैप्स होते ही एक्ट रिवाइव हो गया है, पूरी तौर पर रिवाइव हो गया है, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं, आप पुराने एक्ट के तहत आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन एक ओपिनियन ये आया कि एक्ट तो रिवाइव हो गया है, लेकिन कुछ एंड्यूरिंग नेचर के एक्शंस जो उस एक्ट के तहत हो गए थे, उनके बारे में अस्पष्टता है,
इसलिए बेहतर होगा अगर आप इसी एक्ट को दोबारा री इनेक्ट कर दें, तो एक बार ये हो जाएगा कि सरकार की मंशा है इस एक्ट को पुनः लाने की। अध्यक्ष जी, मेरे सामने दोनों विकल्प थे और शायद सुविधा का विकल्प ये था कि मैं पहला मत स्वीकार करती और सीधे ऑर्डिनेंस के लैप्स होते ही आगे बढ़ जाती, लेकिन मैंने वो पहला रास्ता नहीं चुना। मैंने कहा कि अगर सरकार अपनी मंशा दोबारा री इनेक्ट करने की है तो हम दोबारा अपनी मंशा व्यक्त करेंगे, लेकिन हम बिना एक्ट इनेक्ट किए हुए ऐसे ही आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ एक और बात कहना चाहती हूँ, ये जो दूसरा रास्ता मैंने चुना उसके लिए भी दो माध्यम मेरे पास थे। एक माध्यम वो जो जयपाल रेड्डी ने चुना था, अध्यादेश का रास्ता। मैं भी अध्यादेश कर सकती थी। अध्यादेश वैसा ही लॉ है जैसा बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसका, और मैं उस दूसरे रास्ते को चुनते हुए अध्यादेश के रास्ते से उस रास्ते को पूरा कर सकती थी, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैंने कहा कि मैं संसद के सामने क्यों ना जाऊं, अपनी बात खुलकर वहां क्यों ना रखूं, पूरे संसद को विश्वास में क्यों ना लूं, पूरे संसद की सहमति की मोहर इस बिल पर क्यों ना लगवाऊं। मैंने अध्यादेश का रास्ता नहीं चुना, मैं बिल लेकर आई और जैसे ही सत्र प्रारंभ हुआ मैंने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। पिछली बार इन लोगों ने बिल लगने नहीं दिया। जब ये सत्र शुरू हुआ, जैसे ही फाइनेंशियल बिजनेस खत्म हुआ, जैसे ही बजट और रेलवे बजट खत्म हुआ, मैंने चाहा ये बिल लग जाए। 21 तारीख को मैंने बिल लिस्ट कराया, बिल लग जाए, पूरी संसद चर्चा करे, इसके ऊपर अपनी सहमति की मुहर लगाए। लेकिन उसके ऊपर का जो झगड़ा झंझट चला आपने देखा। दोबारा फिर स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करके मैं इस बिल को लेकर के आई, और जैसा आज भी मैंने चाकू जी से कहा कि मैं बिल चर्चा के लिए लाई। मैंने कहीं बिल मूव करते हुए ये प्रस्ताव नहीं रखा कि आप बिना चर्चा के पारित करें, ये तो प्रस्ताव उधर से आया। मुलायम सिंह जी और लालू जी को लगा कि अगर बिल दोनों सदनों से पारित है तो दोबारा चर्चा की आवश्यकता नहीं। उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए मैंने कहा कि अगर पूरा सदन चाहता है कि बिना चर्चा के पारित हो तो बिना चर्चा के पारित हो सकता है, वरना मैं चर्चा के लिए तैयार। अब मैं आपसे यहां कहना चाहती हूं, जैसे मैंने एक वाक्य में पहले कहा था कि स्वायत्तता देनी चाहिए थी, स्वच्छंदता देनी नहीं चाहिए थी। आज 8 महीने हो गए प्रसार भारती को काम करते हुए, जितनी बार भी सदन में प्रश्न लगे हैं प्रसार भारती से संबंधित, कितने उत्तेजित होकर के संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं, शिकायतों का अंबार लग जाता। और मुझे दुख है ये कहते हुए कि प्रसार भारती की सोच ये है कि अगर चारों तरफ से शिकायत है तो ये हमारी निष्पक्षता का प्रमाण है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं सभापति जी, ये नकारात्मक सोच है। अगर किसी को शिकायत नहीं, ये निष्पक्षता का प्रमाण होना चाहिए। अगर सबको शिकायत है तो ये मनमानी का प्रमाण है, निष्पक्षता का प्रमाण नहीं। और मैं आज कहना चाहती हूं अपने सांसद साथियों से कि ये बिल उन शिकायतों को समाप्त करने की तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा भारी कदम है। जवाबदेही के बिना केवल स्वच्छंदता नहीं आती, स्वच्छंदता उद्दंडता की हद तक भी पहुंचती है और कभी कभी निरंकुशता की हद तक भी पहुंचती है। लेकिन जवाबदेही का सिद्धांत, व्यक्ति कोई भी हो, मैं केवल व्यवस्था की बात कर रही हूं, अगर जवाबदेही का अभाव होता है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी निरंकुश बनने लगता है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी व्यक्ति को सोबर बनाता है, निष्पक्ष बनाता है, जिम्मेदार बनाता है। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि जितनी अस्पष्टताएं इस बिल के अंदर रह गई थी वो सारी की सारी एक बार भी स्पष्ट कर दी जाए, ये जवाबदेही का सिद्धांत वापस आ जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी वापस लौट आए, ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल वापस लौट आए, सीईओ की आयु सीमा फिर से निर्धारित हो जाए, बोर्ड के रोटेशन का प्रावधान जो कि निरंतरता और परिवर्तन का एक प्रतीक है वो वापस आ जाए, मेंबर फाइनेंस फुल टाइम हो जाए, मेंबर पर्सनल फुल टाइम हो जाए, ताकि ये संसद के लोग बैठकर देख सके उन संसदीय समिति के माध्यम से कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये बिल लाया गया था वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसीलिए उस जवाबदेही के सिद्धांत को वापस लाने के लिए मैं तमाम अपने साथियों से अनुरोध करती हूँ कि चर्चा से पहले ये चीजें आपको पता चल जाए कि ये बिल है क्या। एक बात और कह दूं, वो चर्चा में आएगी, उसका भी पहले ही निराकरण हो जाए। मैंने जब इस बिल पर कंसेंसस बनाने की कोशिश की, सबसे बात की, जयपाल रेड्डी जी के तो घर जाकर मैंने बात की, कांग्रेस के फ्लोर लीडर से बात की, सीपीआई सीपीएम से बात की, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता बैठे उनसे बात की, सबसे बात की, मेरे साथ बात में ये लोग संतुष्ट हैं। यहाँ क्या भूमिका लेंगे मैं कह नहीं सकती, लेकिन एक प्रश्न उभरा
कि ये बिल आप इसलिए ला रही हैं कि आप इसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों को भरना चाहती हैं। मैं इस शंका का निराकरण सदन के फर्श पर खड़े होकर कर दूं कि इस एक्ट की, हाँ, आपकी आशंका में समाप्त कर दूं, इस एक्ट की स्कीम में ही इसकी गुंजाइश नहीं है। ये एक्ट ये कहता है कि प्रसार भारती बोर्ड का साधारण सदस्य से लेकर चेयरमैन तक की नियुक्ति एक चयन समिति करेगी, एक सिलेक्शन कमेटी करेगी, और वो सिलेक्शन कमेटी तय है। उस सिलेक्शन कमेटी में 3 सदस्य हैं, एक हैं चेयरमैन राज्यसभा यानी भारत के उपराष्ट्रपति, एक हैं चेयरमैन प्रेस काउंसिल, एक निष्पक्ष व्यक्ति और एक राष्ट्रपति का नामित सदस्य। ये 3 लोग मिलकर के चयन करते हैं। और कह दूं, सरकार से तो कोई पैनल भी नहीं मंगाया जाता, ये भी अधिकार नहीं है कि सरकार जो पैनल दे उसमें से कमेटी चुनेगी। कमेटी स्वतंत्र है नाम मंगाने के लिए, कहीं से नाम मंगाए, ये स्वतंत्र है नाम कमेटी को देने के लिए कि आप इन इन में से भी चुन लीजिए, उनमें से कमेटी चयन करेगी। इसलिए ये शंका पहले ही निर्मूल कर देना चाहती हूँ। ये धारणा निराधार है, कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा प्रचारित की जा रही है कि इस बिल को स्कटल करने का और तो कोई रास्ता नहीं। ये कह दो कि बीजेपी आरएसएस भर दिया जाएगा ताकि सब लोग भयभीत हो जाएं, खौफ में आ जाएं। ये भय बिल्कुल निराधार है सभापति जी, ये भय बिल्कुल निर्मूल है। और इसलिए करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि इस बिल के बारे में जो शंकाएं थी प्रारंभिक, उनका मैंने निराकरण कर दिया है। चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए जाएंगे यथाशक्ति उनका जवाब देने की बात करूंगी, लेकिन ये कह करके चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।